मैं इमरान खान, खान साहब नॉनवेज सेंटर की तरफ से सभी देशवासियों को ईद मुबारक और एक बार आप जरूर विजिट करें। 21 मार्च को उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के अशोक नगर मेन रोड पर तीन बदमाशों ने दिन दहाड़े जैनम ज्वेलर्स लूट के बाद शोरूम मालिक अनिल जैन की निर्मम हत्या कर दी थी। लूट के बाद आरोपी छिपा कॉलोनी खटिकवाड़ा के पास से भाग रहे थे। इस दौरान साजिद नाम का युवक अपने स्कूटर लेकर खड़ा हुआ था। इस दौरान एक बदमाश ने पिस्टल से साजिद पर तीन फायर भी किए। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं। वारदात के बाद आरोपी भागने लगे, लेकिन लोगों ने एक आरोपी विकास चौधरी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में विकास ने अपने दोनों साथियों के संभावित ठिकाने बताए, जिस पर पुलिस की विभिन्न टीमों ने हरियाणा में कई जिलों में दबिश दी। पुलिस ने बीती 29 मार्च को फरार चल रहे दूसरे आरोपी संदीप चौधरी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। वहीं बीते सोमवार को वारदात में शामिल तीसरा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वारदात के तीसरे आरोपी आशीष चौधरी को मंगलवार को पुलिस हरियाणा से गिरफ्तार कर उदयपुर लेकर आई, जिसका MB हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप करवाया गया। वहीं मामले में जांच जारी है।